आ गई थी कॉलेज से, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया था, तो फिर मैंने उसको सैंडविच बना के दिए और चीज़ लगाई है और सलामी थी, सलामी कहते हैं सॉसेजेस जो भी आप कह रहे हैं इसे, और मेयोनीज लगा दी है साथ, और मैंने उसको एक ब्रेड कप एक सैंडविच बना के दिया था। तो बड़ी दुखी हुई है कि मम्मा सिर्फ एक सैंडविच, आपने कैसे सोच लिया कि मेरा एक सैंडविच से पेट भर जाएगा। मैंने फिर अब दूसरा भी बना के दिया था, वो खाने लगी है। ये उसका दोपहर का खाना। ये है मेरे कॉरिडोर में एक काफ़ी बड़ा मिरर लगा हुआ पूरी दीवार जितना, और इसको अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये बेचारा काफ़ी गंदा हुआ हुआ है, इसके शीशे पे काफ़ी निशान पड़े हुए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कि इसको काफ़ी टाइम से स्प्रे करके साफ़ नहीं किया गया। इसको मैं अब करने लगी हूँ स्प्रे, ताकि इसका ऊपर से ले कर सारा नीचे तक सब साफ़ करूँ। मैं वैसे करती नहीं हूँ, हमेशा मेरे हस्बैंड करते हैं या बेटा, इसलिए कि वो मुझसे कद में लंबे हैं, बेटा तो माशाल्लाह बहुत ही लंबा है। तो अभी सब तो घर में कोई नहीं, तो मैं सफाइयाँ कर रही थी सारे हुवर शुवर सब, तो मैंने कहा चलो अब आज मैं ही करती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिर अब यही एक स्टूल रख के तो इसको स्प्रे करके फिर करूँगी। पता नहीं आपको अब दूर से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन बहुत गंदा हुआ हुआ था और मैंने ये सारा साफ किया। ये देखिए इस कपड़े से साफ किया और ये कपड़ा कितना गंदा हुआ। असल में उसका रंग भी ऐसा है और ऐसी जगह पे कि अगर ऊपर गर्द पड़ती रहे तो उतना नज़र नहीं आता, पता नहीं चलता। मेरी बेटी बड़ी तैयार हुई है, जूते शूते पहन के, जैकेट पहन के, और जा पता है कहाँ गई है, मेरे किचन का कूड़ा फेंक के। तैयार तो नहीं, पिजामा में हूँ। हाँ मैंने जूते छूते तो पहने, और इधर मैंने चाय बनाई है। बेटी से पूछा था तो उसने कहा मैंने चाय नहीं पीनी, तो ये मैंने दो वेफर्स निकाले हैं, इसलिए दो निकाले हैं कि बेशक उसने चाय नहीं पीनी, लेकिन हमेशा की तरह उसने मेरी चाय में डुबो के मेरी चाय का बेड़ा गर्क करना है ज़रूर, तो इसलिए एक उसके लिए लेके जा रही हूँ और एक अपने लिए लेके जा रही हूँ। और अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप चाय बनाती हैं हमें बड़ा मज़ा आता है देख के आपकी चाय, और फिर हमारा भी दिल करता है कि हम चाय पिए। तो अब मैं आप लोगों को दोबारा दिखा रही हूँ कि शाम के 5:30 हो रहे हैं, तो आप लोग भी सब अपनी अपनी चाय बनाना शुरू करें और पिए। शाम को एक पता नहीं किसी का ब्लॉग देखती है, फिर वो कहती है तम्मा उन्होंने पता है क्या, फिर वो ऐसे छोटे बच्चों की तरह मुँह जैसे बच्चे बनाते हैं बना देती है, कहती है वो देखो वो क्या कर रही है, फिर मुझे इनडायरेक्टली कह रही होती है किचन में जाओ मेरी चाय बनाओ, फिर शाम को नॉर्मली मैं चाय बना के देती हूँ। लेकिन आज चूँकि वो ज़रा बाज़ार वगैरह भी गई थी और काफ़ी काम किया, तो मैंने कहा चलो आज मैं चाय बना लेती हूँ, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि मैं आपका साथ नहीं दूँगी चाय पीने में, तो इसलिए मैं अपनी चाय खुद ही बना के और पी रही हूँ। और चलो अब जाओ जल्दी से फेंको इससे पहले कि मेरी चाय ख़त्म हो जाए। तलमीज़ अब थोड़ी सी बची है चाय लेनी, ले लो रखते हैं बस। चलो ठीक है, ये दोनों लेने हैं? नहीं नहीं वो एक मैंने खाली कर दिया, सिर्फ वो है बैग ही नहीं, वो मैंने धो दिया यार। प्लास्टिक बैग क्यों डाल दिया, ये इतने मसिक है ना ताख्ता, इसका बड़ा डब्बा भी मिलता है, आप ब्रेड पे जैसे माचिंग मक्खन वगैरह लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं, और ये छोटे छोटे क्यूब्स भी इन्होंने बनाए होते हैं ऊपर मुख्तलिफ हर्ब्स और टमाटर और पता नहीं क्या कुछ डाला होता है, बहुत मज़े का। ये बेटे मेरे को बड़ा पसंद है, वो कल लेके आया था। खाली भी खाने का मजा है, ब्रेड पे भी लगा के खाने का मजा है।